आप लोगों ने पिंक और लॉस्ट मूवी तो देखी ही होगी। एक चीज़ बहुत कॉमन इन दोनों मूवीज़ में, और वो है इस मूवी के डायरेक्टर। इन दोनों मूवीज़ को डायरेक्ट करा है अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने, जो कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, और इन्होंने हिंदी और बंगाली दोनों मूवीज़ में काम किया है। अनिरुद्ध रॉय चौधरी को अपनी मूवी पिंक के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। अभी आए हैं अपनी नई मूवी लेके, जो कि जी फाइव पर रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी की नई मूवी कड़क सिंह की। तो चलिए इस मूवी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, जानते हैं ये मूवी कैसी है और क्या आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, और आप देखेंगे इस मूवी में पंकज त्रिपाठी को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स में ऑफिसर हैं। वो इस मूवी में हॉस्पिटल में एडमिट दिखाए गए हैं। पंकज त्रिपाठी अपनी ऑलमोस्ट याददाश्त खो बैठे हैं। वो अपनी बेटी, अपनी फैमिली, सब कुछ भूल चुके हैं। मिस्टर श्रीवास्तव के केस में हमने रेट्रोग्रेड एमनेशिया का डायग्नोसिस किया है। मेमोरी वापस आने के क्या चांसेस हैं? नेग्लिजिबल से भी कम है। साथ ही में इस मूवी में आप देखेंगे एक स्कैम भी। अब ये स्कैम की स्टोरी और पंकज त्रिपाठी की स्टोरी, दोनों स्टोरीज इस मूवी में पैरेलल चलती हैं। अब पंकज त्रिपाठी क्या वाकई में अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, या फिर याददाश्त भूलने का नाटक कर रहे हैं, और ये स्कैम क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सारी कहानी बिथरा घुमा फिरा के अंत में मेरे खुद को। स्टोरी वाइज अगर देखें तो मूवी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हर चीज़ की प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से मूवी को फिल्माया गया है। जो मूवी का फ्लो है वो थ्रू आउट मेंटेन रहता है। मूवी के फर्स्ट सीन से ही मूवी के स्टोरी पर फोकस किया गया है, बिना वजह आलतू फालतू चीज़ों को फोकस करके टाइम वेस्ट नहीं किया गया है। अब अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो मूवी का प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है। इस मूवी का जो मेन लीड है कड़क सिंह, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हर चीज़ को स्लोली स्लोली बहुत ही तरीके से ओपन किया गया है, जिसकी वजह से एक थ्रिल, एक मिस्ट्री, एक सस्पेंस थ्रू आउट इस मूवी में बना रहता है, और यही चीज़ है जो आपको मूवी से बांध कर रखेगी। इन सब चीज़ों के पीछे एक मेन चीज़ होती है, वो होती है डायरेक्शन। अगर इस मूवी का स्क्रीन प्ले और प्रेजेंटेशन दोनों अच्छी हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक की, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। जैसी मूवी है वैसा ही बैकग्राउंड म्यूज़िक है, एकदम थ्रिल वाला, और यही बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो इन्वायरमेंट बना कर रखता है। लोकेशन ज़्यादा ना होने की वजह से इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी थोड़ा डिसेंट रहा। इस मूवी में आपको दो लोकेशन ज़्यादा देखने को मिलेंगी, एक हॉस्पिटल और एक घर। मूवी में अगर एक्टिंग की बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि पंकज त्रिपाठी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल होती है, कैसा भी रोल उनको दे दो, हर रोल बहुत मन से, बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। कॉमेडी का रोल हो या सीरियस रोल हो, कैसा भी रोल दे दो, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो हर तरीके के रोल इनके लिए बनाए गए हों। इसी तरह पंकज त्रिपाठी ने इस मूवी में भी अपना जादू बिखेरा है। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बहुत अच्छा रोल प्ले करा है। इस मूवी में उनकी बेटी का रोल प्ले करा है संजना सांगी ने, जिसने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। पता नहीं तुम मेरी बेटी हो या नहीं हो, पर जिसकी भी बेटी हो बहुत अच्छी हो। अगर हम ओवरऑल देखें तो एक्टिंग वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये 2 घंटे 8 मिनट की मूवी अच्छी है, देखने लायक है। लेकिन हर मूवी की तरह इस मूवी में भी लूप होल है, और वो लूप होल है इस मूवी का क्लाइमेक्स। इस मूवी के क्लाइमेक्स को एकदम से ओपन कर दिया गया है। जो सस्पेंस, जो थ्रिल बनाया गया था, वो एकदम से ओपन कर दिया। अगर इस मूवी के क्लाइमेक्स को स्टेप बाय स्टेप या धीरे धीरे ओपन करते तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। अगर स्कोरिंग की बात करें, सब कुछ ध्यान में रखें, हम इस मूवी को स्कोर करते हैं 3 out of 5। मूवी में कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है, मूवी एकदम क्लीन है, मूवी अच्छी है, देखने लायक है। नाम की तरह ये मूवी भी एकदम कड़क है। माना कुछ कमियां हैं इस मूवी में, उसके बाद भी ये मूवी काफ़ी अच्छी है। और सबसे मेन बात, इस मूवी को देखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, केवल TV ऑन करो और Zee5 पे बैठकर मूवी देखो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आगे ऐसे और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।